सर क्यों मार रहे हो इसे? सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अयोध्या का है, जहां राम मंदिर समारोह में दलित छात्र के फूल फेंकने पर आयोजकों ने उसकी पिटाई कर दी। सर क्यों मार रहे हो इसे? वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि धार्मिक समारोह में दलित युवक को पीटा गया। वीडियो में छात्र को बोलते हुए सुना जा रहा है कि वह फूल फेंक रहा था, इसीलिए उसे पीटा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कितनी सच्चाई है, ये जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वायरल वीडियो के आधार पर धार्मिक उन्माद फैलाने की भी कोशिश की जा रही है। चलिए वायरल वीडियो का फैक्ट चेक करते हैं। आपको बता दें कि वायरल वीडियो अयोध्या का नहीं है, वीडियो 22 दिसंबर का है। वायरल वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद का है, जहां गीता जयंती का प्रोग्राम देखने गए बच्चे की जमीन पर गिराकर पिटाई टीचर्स ने की थी, जहां 9वीं कक्षा का छात्र सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। 22 दिसंबर को वह 2 दिवसीय गीता जयंती समारोह में भाग लेने के लिए गया था। छात्र के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाली अन्य बच्चे और बच्चियां भी थी। उस दौरान गोची सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर रवि मोहन और कमल ने छात्र पर लड़कियों पर फूल फेंकने का आरोप लगाया। इसके बाद जमीन पर गिराकर उसकी पूरी तरह पिटाई की। इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल ने बच्चे को पीटने का मामला बिल्कुल गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि दोनों टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिक्षा विभाग हरकत में आया और दोनों टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। वही वायरल वीडियो का फैक्ट चेक अयोध्या पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से भी किया गया है। अयोध्या पुलिस ने भी वायरल वीडियो का खंडन कर दावे को झूठा और भ्रामक बताया है। साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह गलत है। ये वीडियो अयोध्या का नहीं बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद के स्कूल समारोह का है। वही इस मामले में कोई जातिवादी एंगल नहीं है, कुछ शरारती तत्व इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।